इन संसार के लोगों में बनावटी प्रेम जो हो गया है, दुनिया में जो भी प्रेम करते हैं माता बनावटी प्रेम करते हैं, सुर नर मोहन सब किए आहरीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है, इसलिए कहीं आना जाना बंद रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं, वहां जाना नहीं चाहिए। पार्वती बोले, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पर तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, वे कोई भी बात, यहां तक कि जो गुरुदेव ने मंत्र उनको कान में दिया था वो मुझे आकर बताए। गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र दिया जाता है वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। गोपनीयम 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 प्रतंत्र, उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पत्तों मुझे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे ज्यादा सबसे पहले उस मंत्र को मुझे आकर बताया कि मेरे गुरु जी ने यह मंत्र दिया है। यहां तक कि हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंख बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो प्रभु का दर्शन होता है उसको बताना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पर तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं कि मैंने राम जी का दर्शन किया, आज कृष्ण जी का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी का दर्शन किया, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। कैसे बोलूं आपसे? नारद जी ने कहा, ये तो बड़े आनंद की बात है माता, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है, भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये भी बात जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड वाला पहनते हैं उनमें किनके मुंड लगे हुए हैं। ये बात आपको बताई? पार्वती जी बोले, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझे, लेकिन मुंड माला के बारे में कभी नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं। ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या खाक करते हैं? पार्वती बोली, आपसे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला के बारे में किसके मुंड लगे हैं अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई? हम तो जानते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहां से नारद जी चले गए। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हो वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर पत्र उतार कर मलिन पत्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए और गोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रुठने का कमरा अलग से बनता था, जिस पर उसके द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन, यदि उसमें चली गई तो समझो वो रूठ गए। फिर पतिदेव बड़ी मनोहार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम जल्दी जान पढ़ाना बाबा, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, अगर आप घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती होंगे,
जहां आपके चरण पड़ जाए वहां तो कल्याण ही कल्याण होगा बाबा। शिव जी ने कहा क्या बात है, शिव जी ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा रहते दीदी अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा कि अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात मुझे कभी आपने बताई? भगवान शिव ने कहा आपसे आपने कभी अवसर नहीं दिया मारा, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है, मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, इसमें आपके ही सिर है महाराज। वैसे तो आप ब्रह्मा है जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब भी अपने जीवन में किस में यदि जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे इसके लिए तुम्हारे सिर अपने माला में पिरो लेता हूं। मेरे जीवन में कितनी बार तुमने अपनी देह का प्रत्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं, किसी और के नहीं है। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर के माला को लटकाए घूमते हैं, तुम कहते हो हम कपटी हैं। पार्वती जी बोली कि हे भगवान, हम तो तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी दवाई आपने खा रखी है जो तुमने जो तुम मरते नहीं मुझे ही मन बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषध मुझे भी पिलाते जिसे पीने से मैं अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और पार्वती जी से बोले हे देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत यानी अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली कि वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। भगवान शिव ने कहा भागवत कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत कथा सम्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुना निषेध है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए एक बार राम नाम संकीर्तन श्री शास्त्री जी के मुखारविंद से, उसके बाद आगे कथा।